चल ये हम लाओगे बोन पलाव पे, मैं चढ़ के बनाता हूँ बोन, आप जैसे बना सकते हैं बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह से बना सकते हैं, बोन बननी चाहिए बस अच्छी फिनिशिंग में। बहुत से लोग भला में लड़के मन बनाते हैं तो ये मार्जिन काट देते हैं इसका एक पैर से, लेकिन ये गलती नहीं करनी, काटना नहीं है मार्जिन, सब एक पैर से छोड़ना है मार्जिन, चोट मारता है बहुत बुरा है, फिर फ्लॉप चेंज होना आया, चेंज नहीं हो पाएगा, इसमें चेंज कर सकता है, ऑप्शन होता है। अब हम लगा लेंगे हेयर चेस्ट, ये नपेल टूटेगी यहाँ पर अपनी, इससे हम ऑरेंज के अंदर लगाएंगे, आधा इंच 3 सूत कितने का हो सकता है, लेकिन कम ही लगने के। ये ध्यान रहे जब लप्पा लगाते हैं हम तो इसको किस तरीके से लगाना है, बहुत से लोग ऐसी मार के पकड़ के सिलाई मार देते हैं, बहुत से ज़्यादा मोड़ देते हैं, टाइट हो जाता तो इसे हल्का सा मोड़ते हैं इस तरीके से, ये अब जितना होना था हो गया, अब लप्पा लूज होगा सामने होकर टाइट हो जाएगा एकदम बढ़िया। आइए बनाते हैं बोन फैशन की, वो सामने की, सॉरी ये निशान लगाया था हम इस पे ही रखेंगे लॉक फलॉक की, मार्जिन बोन का मार्जिन जैसे कट पे रखेंगे मिला के, बिल्कुल ये देखो सीधा हो गया, मिल गया एकदम ही, जो हमने स्लाई मारी थी बोन की उस स्लाई पे स्लाई मारेंगे बिल्कुल हम। पीछे हाथ रख के जन नमी आ रहा हमारी फलाम में, यानी फलाब लग गया हमारा, यानी बोन जड़ गई हमारी फलाब में और फलाब भी लग गया। अब ऐसे ही नीचे लगा देंगे बोन इसके हम, जो सिंपल है ये तो बहुत आसान तरीका भी है, और आप इस्तेमाल करना चाहें तो बस आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका तरीका भी ठीक ही होगा वैसे तो। अब इसे काट ले, हल्की सिलाई से पीछे काटते हैं, टाके बांधते हैं हम, और इसे पलट लेते हैं, ये हमारी अगर पलट देंगे नीचे वाले बोन इधर को आ जाएगी इसकी, ये हमारी बोन रेडी होने वाली है, अब इसकी टांगी बांधूंगा, टांगी तो बिल्कुल सिंपल है बांधना, कोई बात टांगी बांधते वक्त ये याद रहे इससे हल्की हमने लगौती सामने की है, हल्की से लूजी बांधनी चाहिए टांगी, और टाइट बांधेंगे आप तो टांगी नम करती है, झोल आती है उसमें बहुत, अभी देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्री पड़ी टांगी इसकी, सिर्फ प्रेस मारने की दे रहे हैं ऐसे हल्की सी,
ओवन रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें कॉफी जोड़ेंगे। ये हमारा स्तर आ गया, इतना मोड़ लेते हैं, आधे इंच चीज है, और यहाँ रख के लप की सिलाई मार देंगे बिल्कुल सीधी। ये हमारी पॉकेट बन के बन चुकी है इसकी, ठीक है, बिल्कुल साफ है, क्लीन अप, कोई नम नहीं, कुछ नहीं। अब ये हमारी बोन आ गई, इसका फला बंदर कर लेंगे। ये आप बोन देख सकते हैं, अब ये हम बनाएंगे फैशन की बोन। सामने की आपने देख ली, अब फैशन की देख लो एक बार ज़रा। ये तो बहुत ही आसान तरीका फैशन की बोन बनाना, बहुत ही जिसे कहते हैं, आपने बहुत ही कम लोग देखा होगा ऐसा बन बना। तो आप मुझे देखो आज, ये पूरी दोनों बोन है जो अभी इसमें देख रहे हैं आप, इधर से मोड़ दी आधा इंच, इधर से मोड़ दी पौने इंच। अब आप इसे देखो कैसे बनती है, ये हिस्सा नीचे हुआ नीचे ऐसा बनती है पूरी, इसे निशान पर किस तरीके से इसे इधर को पलट दिया, जैसे अभी ऐसे मारी थी आपने, हमने अब इसे ऐसे पलट देंगे इधर को, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल, आपकी सोच से भी ज्यादा सिंपल है। बस लाई सिलाई मारनी है, बस ये सोच लो इसमें एक पल की सीधी सच्ची। बस ठीक है, लग गई हमारी बोन बन गई, और इसे काट लेते हैं पलटने के लिए, जैसे नॉर्मल बोन काटते हैं ऐसी कट्टी, कोई अलग तरीका नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस मोड़ना तरीका लगा इसका, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी दिन। कट गई, पलट देंगे इसको भी ऐसे, आइए टांकी बांधते हैं। ये देखिए बन चुकी टाकी है इसकी, अब पॉकेट बनाएंगे। ये हमारी बोन रेडी हो गई बन गई, ठीक है, और इस पर टांके बांध देंगे हम, ताकि इसका मुंह नहीं फैल सके। पीस बनने के बाद खोल देंगे, कच्चा बांध देंगे, यानी कि कच्चा डाल देंगे सीधा सच्चा, ऐसी दोनों कोने मिला के आपस में, ये कच्चा डल गया हमारा भी। आइए लगभग क्या
लगा बैठा हमी तो आओ खर्चा बैठा होंगे जो हमारी रेवेन्यू अस्ती ने बह गए आपको बताया था बाद में बैठा थे अब तो काम आने वाला है ये बैग मेरी फिक्स कट होगी ध्यान रखें आप इसलिए थोड़ा ध्यान में रखा जाएगी कम पल्ले कम बढ़ती नहीं होनी चाहिए इसकी ये पंप डालेंगे हम या भाई हमारी सेम की थे इस पर ध्यान रहे सैम की बैग पर अक्सर चाल बारी चलाई जाती है क्योंकि मार्टिन चेटा कोई प्रॉब्लम होती है उस तीनों में तरह की पता चल जाता है इसलिए पहले तरह की बना लेते हैं ये मार्जिन देख रहे हैं आप इससे इसमें बढ़िया जाती है मार्जिन ये इसको मार्जिन इस पर रखा था यानी कि निशान पे गोला रखा जाता है इसका ये से बोलते हैं गोला एक पैर के सीधे सच्ची सिलाई मारी जाती है एकदम को ऐसे पल्ले में दी जाती है कि ध्यान रहे इस तरीके से देख लेते हैं पहले बना के सीएम हो प्रॉब्लम होती है ढालने में इस तरीके से इसमें पता चल जाता हो ठीक है पकड़ होगी अभी हम इन्हें बना देंगे पहले ऐसी बनाएंगे कुछ नहीं है बस कुछ नहीं है कुछ भी अस्तित्व मुख्यालय तो आप ये देख ही सकते हैं स्लाइस इतनी सच्ची लगती है एक पैर के मार्जिन से भर के वो बिठालना होता है बस इनको आप ये देख सकते हैं ये बंदी रेडी हो गई है कैसे इसमें इनका सेफ होता है फ्लैट पर मार दी लेकिन ये देख सकते हैं बैठ जाइए अस्ते में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यहाँ ठंडी बैग अभी सबसे पहले साफ कर हमने बखाई इतने साफ तरीके से थे कि हम तो ज्यादा है नहीं इसमें ये ध्यान नहीं इसमें सेफ सेफ होता है सर कि फ्लैट कर लेते हैं ताकि बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो मार्जिन का छील लेंगे इस मार्जिन को
साफ हो गई हमारी बैग, ये हो गई अस्तर की बैग इसकी। हमारी बैग फिक्स कट हुई थी तो सिर्फ हाले रख के देख लेंगे कितना फालतू का कितना काम है, पूरा फिक्स आ रहा है हाले पे भी। अब यहीं रखे जमा लेंगे इसकी बाप में, इधर पप रहती है इसकी। ये सॉफ हो गई हमारी बैग, अब लेंगे तीन स्तर की हम पहले, सबसे पहले हिंदी ड्रेस मार लेते हैं, साफ सुथरा अच्छा लगा दो अच्छा लगता है, ऐसे भी जुड़ सकते हैं लेकिन साफ करके दानी चीज लाएंगे, पीस में फिनिशिंग तभी आती है। इस बार कर लेंगे ऐसे ये लेंगे हम अस्तीन, सबसे पहले कराएंगे ये वाली छोटी वाली सिलाई जो होती है सॉफ्ट पीस है, नम मारेंगे इसके पहले और जो अपना सेप ऐसे फ्लैट कर लेंगे गुलाई हो बोल देंगे। अब इसके पीस मारेंगे ये मोड़ देंगे इतना, वो अभी पूरा पास चिर गया इसका, हल्का सा इसे मोड़ देते हैं क्योंकि इधर रहेगा इधर ही कट जाएगा, इधर इधर मुड़ के सही रहेगा, ये वेल्टर होना गया स्टील में लूज टाइट की तो मार्जिन निकालना नहीं पड़ेगा सिलाई में से, अलग रहता फ्री रहता है मार्जिन। जहां मैं तोड़े थे भाई मोड़ लेते हैं, हमारी स्टेन रेडी हो गई। आइए अब हम करेंगे लबे सॉप, पहले एक बनाएंगे हम पॉकेट जो हमने बनाई थी ऊपर, अगर आप पहले साफ कर लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, आपको परेशानी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं सिंगल हूँ ना इसलिए सबका मैं एक साथ करता हूँ। नीचे एक बंदा होता कोई प्रॉब्लम नहीं, साफ पड़ देता वो
ये हमारी गुण साफ हो गई पहले, और इसका फला बाहर निकाल देंगे। इसके नीचे पैटर्न रख लेंगे, ये तो छपे नहीं। हल्की हल्की माननी होती है बाद में, पहले साफ हो बताओ। ये साफ हो गई, अभी आ गई फैशन की बोन। एक मिनट बैठ गए, अभी ऐसे प्रेस मार देंगे इसके। जी हो गई साफ। थोड़ा रख देंगे रिबिल सिविल का, ये इधर एक इधर भागे ही नहीं। अब ऐसे सामने में रख देंगे थोड़ा, जमा देंगे एक इधर एक इधर, हल्के से लूज कर देंगे। अब ये है हमारा चेस्ट, हेयर किंग बोलते हैं इसको। अच्छे से प्रेस मार देते हैं इस पर, ये फुलता है जो। पिछले लगोगी यहाँ जो निशान लगा होता अपना कुट का नबिल जो टूटी है, इससे नीचे नीचे घूम लग मोड़ा अपने। ज्यादा नहीं, बस एक डेढ़ सौ तक बहुत है। सीधी सच्ची मोड़ते हैं बिल्कुल, ये आपको स्लाई मारने को पड़ता है। जैसे आप स्लाई मारोगे ऐसी मोड़ पाओगे। मैं स्लाई सीधी मारी तो इसमें सीधी मोड़ गई है, आप टेढ़ी मारते तो लहरा जाती है आपके लिए। और हम ये गुलाई का पैटर्न रख लेंगे ऐसे ही से रख के, यहीं जमा देंगे इसे सही करके अच्छे से। बस ये बैठ गई बहुत ही, पलट लेंगे सब। जितने मोड़ते हैं उतने ही इधर को मोड़ते हैं, फिर इस निशान तक मोड़ते हैं इसे। सिंधु सच्चे मोड़ने चाहिए, लव लहरा भी नहीं, ये देखो आप बिल्कुल। अब इधर को मोड़ देंगे, ये मोड़ी थी वही वापस।
और रखेंगे रिविल सिविल, थोड़ा तोड़ लेंगे पहले, रखेंगे है ही जो हम निशान लगाते हैं यहाँ पे। इसके बजे भी आपको बताऊंगा, देखो अभी मैं पहले रख दूँ, हमने रिविल सिविल रख दिया है अभी, नपेल का मार्जिन यहाँ चिपका देंगे, इसका मार्जिन इधर अगर चिपका देंगे, अभी चिपक गए लव हमारी यहाँ पे। अब नए इधर का मार्जिन इधर इधर को जाओ, नए इधर का अंदर बाहर को आओ, मतलब जाम हो गई लव ना ही ऐसे फूलती है। अब लंबे रिबन से भी रख देंगे, चिपका देंगे यहाँ फैसल, ये हमारा निशान है, यहाँ तोड़ेंगे। पहले मैंने पहले थोड़ी सामने साफ कर दो आपको बताया था, तो हम एक बार में तोड़ लेंगे, देखो कितनी क्लीन बैठी है ना पहले, कोई मसला नहीं है ना, निशान नहीं डलता दूसरा पहले में, सिर्फ एक ही बार टूटती है पहले हमारी, और अभी कामयाब है। अभी अगर रिवर्सिबल चिपका था यहाँ तोड़ने के बाद, ये हमारी लव हो गई अब रेडी। अब इसका अस्तर सेट कर देंगे, यहाँ उठाए काटते दो सूत, जितना ये फूल रहा है यहाँ पे उतना ही अस्तर फुलाएंगे हम जी। अब काटेंगे साढ़े 27 लंबाई, 7.5 इंच का चाल कर देंगे, बस बहुत है। ये लीजिए हमारी लव रेडी हो, सामने रेडी हो गया।